स्वागत है दोस्तों, आज की वीडियो में 61st नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप जो AFI द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है उनमें आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझाने वाला हूँ। AFI की तरफ से है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है, उन चीजों के ऊपर आप लोगों को काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर आपको अपडेट्स रिक्वायर्ड है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना है और इस वेबसाइट को ना सेव करके रख लो, रोजाना का रोजाना एक बार तो इस वेबसाइट को विजिट करो। कहां पर विजिट करना है वो भी मैं समझा देता हूं। यहां पर आप लोगों को आना है, इस सर्कुलर्स वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है तो 2022 के जो भी सर्कुलर्स हैं वो सारी की सारी चीजें आप लोगों के सामने आ जाएगी, समझे। तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैलॉप सर्कुलर आ चुका है जो कि है एंट्री स्टैंडर्ड्स। 61st जो नेशनल ओपन एथलेटिक गेम्स होने वाले हैं ना उसके कुछ एंट्री स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं, उनका डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। तो इन चीजों को हम ओपन करके थोड़ा टाइम बाद समझने वाले हैं, पहले हम ऑफिशियल कैलॉप जो गेम होने वाला है उनकी थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा, दिख रहा है 61st नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप, इनका डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके सामने ये पूरा का पूरा सर्कुलर आ जाएगा जहाँ पर सारी की सारी चीजें मेंशन कर दी गई है। एक पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूं, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आओगे, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट जब आप यहां पर आओगे ना, यहां पर आने के बाद आप लोगों को एथलीट लॉगिन वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है, हो गया। यहां पर आप लोगों को लॉगिन करना पड़ जाएगा। अब यहां पर वही बच्चे लॉगिन कर सकते हैं जिनका AFI अप्रूव्ड हुआ है, मतलब आपका जो UID है वो UID अप्रूव हो चुका है। जब आप ये चीजें कर लेते हो तो यहां पर ना इवेंट्स के अंडर आप लोगों को इवेंट्स मिल जाएंगे जिन चीजों के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब जैसे ये भाई हैं तो इनका जो इवेंट है ये एलिजिबल मेन कैटेगरीज के अंडर आते हैं, समझे, तब ये यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इवेंट्स आ जाएंगे। अभी कल ही मैंने एक पोस्ट डाला था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जिनको आप ज्वाइन भी कर सकते हो, मैंने एक इंपॉर्टेंट अपडेट डाली थी जहां पर दिल्ली के ओपन गेम्स का रजिस्ट्रेशन था, बट उसका डेट इतना कम था ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको, समझे। तो जिस वजह से अपडेट जो रहती है मैं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये जब आप कर लोगे ना, ये जब आप हो जाएगा, यहाँ पर इवेंट्स के अंदर आपको सारे के सारे इवेंट शोकेस कर देंगे जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करके बाकी सारी चीजें कर सकते हो। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है रजिस्ट्रेशन को लेकर के, इवेंट्स को लेकर के, अगर वैसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो यहां पर देखो राइट में एक छोटा सा चैट बॉक्स करके ऑप्शन दिया गया, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना, समझे। तो यहां पर ये प्रोसेसिंग वगैरह दिखा देगा, उसके बाद यहां पर आप लोगों को आपके जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को यहां पर आप लोगों को आंसर्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद यहां पर आप लोगों को क्रिएट अ टिकट वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है, समझे। ये चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना वरना फिर बार बार पूछोगे तो यार मैं एक चीज बार बार नहीं बता सकता, समझे। तो यहाँ पर टिकट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डालना है कि आई एम अनेबल टू रजिस्टर फॉर दिस इवेंट। तो जो भी इवेंट होते हैं, जैसे अगर आप ऑफिशियल पेज के ऊपर आ जाओगे ना तो नीचे देखो काफी सारे इवेंट हो रहे हैं, जैसे 17th नेशनल ओपन गेम्स हो रहे हैं या फिर आप कह लो 2nd नेशनल ओपन एथलेटिक अंडर 23 कॉम्पिटिशन हो रहा है, समझ रहे हो। अगर आप ये इवेंट्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर आपको वो चीजें डालनी है, अनेबल टू रजिस्टर इन दिस इवेंट, समझे। वो चीज आपने डाल दी, उसके बाद फिर टिकट कैटेगरी के अंदर तो एक ही कैटेगरी मिलेगी, इवेंट रजिस्ट्रेशन, या फिर आप अदर्स करके भी प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद यहां पर आप लोगों को जानकारी देनी है कि सर मेरा नाम ये है, मेरा एज ये है, मेरा UID नंबर ये है, मुझे इसी इवेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है बट मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा, तो प्लीज आप हेल्प कीजिए। ये सपोर्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट उन बच्चों को दिया जाता है जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप लोग को ना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, समझे। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनके लिए मैं थोड़ा आगे मैं डिटेल समझा देता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा, समझे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक इमेज अपलोड करना है, जैसे समझो आपके सामने ये फोटो आ रहा था 17th नेशनल का, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आकर के वो इमेज ड्रॉप कीजिए और फिर क्रिएट अ टिकट वाले टैब के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आपको एक्टिव टिकट, क्लोज टिकट, ऑन होल्ड टिकट, तो वो सारी की सारी चीजें, तो ऐसे करके आप इनको चलो आप कॉन्टैक्ट करके हेल्प वगैरह ले सकते हो। अब वो बच्चे जिनका UID ही नहीं हो रहा है, आप लोग क्या कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए भाई, प्लीज आइए, यहाँ पर आइए, आपको एड्रेस दे दिया जाएगा, मेल आईडी दे दी जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जिनके थ्रू आप इनको कॉन्टैक्ट कीजिए। एक बार कॉल नहीं लगता है, कॉल नहीं उठाते, दोबारा कीजिए थोड़े समय के बाद। ऐसे बोलते ना एक बेवकूफ आदमी रहता है ना, बार 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 कॉल करता है, वैसी हरकत आप मत कीजिए, समझ रहे हो। एक कॉल किया, आधे घंटे बाद दोबारा से कॉल कीजिए, फिर आधे घंटे बाद दोबारा से कॉल कीजिए, कुछ नहीं तो इनको मेल कीजिए, एक बार मेल किया ठीक है, 2-3 घंटे बाद फिर से मेल इनको भेज दो, क्या दिक्कत है, समझ रहे। जब तक आप एफर्ट नहीं लोगे ना तब तक आपको कोई नहीं पूछने वाला, ये चीज मैं बार बार कहता आ रहा हूं और अभी भी कहूंगा, आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझे। तो आप ऐसे करके उनको कॉन्टेक्ट कर लीजिए, चीजें क्लियर हो गई क्या चीजें बनने वाली है। अब मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे आ जाता हूँ, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करता हूँ, समझे।
तो ये था ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अबाउट 61st नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप, तो 2022 में कंडक्ट करवाई जाएगी, जो कि होने वाली है बेंगलुरु के अंदर, जो कि 15 से लेकर 19 अक्टूबर तक कंडक्ट करवाई जाएगी, जो कर्नाटका एथलेटिक एसोसिएशन की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाएगी। ये मेन एंड वुमेन दोनों कैटेगरी के लिए बनने वाली है। सारे के सारे एफिलेटेड यूनिट्स इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो अपने तीन तीन एथलीट्स को भेजने वाले। इस पॉइंट को ना दिमाग खोल के समझना। एक केलॉप जो ऑफिस है, जैसे आपका अगर एक स्टेट है, समझ रहे हो, आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वो स्टेट अपने एफिलेटेड यूनिट्स में से, अगर वो एफिलेटेड है तो वो अपने यूनिट्स में से तीन तीन बच्चे हर इवेंट के लिए भेज सकता है। समझे, अगर आप हरियाणा से हो तो हरियाणा स्टेट एथलेटिक एसोसिएशन अपने तीन बच्चे भेजेगा एक इवेंट के लिए। अगर 100 मीटर है तो उसके लिए हरियाणा की तरफ से तीन बच्चे आएंगे, फिर अगला 200 मीटर का इवेंट है तो उसमें तीन बच्चे आएंगे, तो ऐसे करके बच्चे यहाँ पर आने वाले, समझे। तो हर एक इवेंट के लिए हर एक स्टेट तीन तीन बच्चे भेजने वाला है। उसके बाद जो रहने वाला इंडिविजुअल इवेंट्स के लिए दो बंदे रहेंगे, और साथ ही में रिले के लिए दो बच्चे बनने, समझे। तो ऐसा रहेगा कि अगर आप चाहो, जैसे एक बच्चा है, जैसे समझो आप एक बच्चे हो, तो आप दो इवेंट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते, समझे। आप चाहो तो 100-200 में चले जाओ, हो सकता है। आप चाहो तो 100-200 रिले में भी चले जाओ, हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, समझे। तो दो रिले इवेंट्स आपको मौका मिलता है। रिले के अंदर भी काफी सारी कैटेगरी, लाइक 4x1 करके हो सकता है, या 4x4 करके हो सकता है, समझे। तो वैसे इवेंट्स होते हैं, तो उनमें आप कोई भी दो में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद बाकी सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई, प्लीज इन चीजों को आप तो थोड़ा बहुत रीड कर लेना। एथलीट्स का जो एंट्री स्टैंडर्ड्स हैं, वो अलाउ ओनली एंड ओनली किया जाएगा AFI के इवेंट्स के थ्रू। जो आपका स्टेट रहेगा ना, वो स्टेट ना कभी तो कैसे आप सिलेक्शन ट्रायल्स, क्वालिफिकेशन ट्रायल्स वो रखेगा, और वो कब कैसे रखे जाएंगे वो भी मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में बने रहोगे, सारी की सारी जानकारी मिलेगी। वो ट्रायल्स वो कंडक्ट करवाएगा, जिसका प्रूफ वो AFI को भेजने वाला है, ठीक है। हमने ऐसे ऐसे ट्रायल्स करवाए थे, इतने बच्चे आए थे, जिनमें से ये तीन बच्चे मतलब अव्वल आए थे, और इन तीन बच्चों को हम भेजना चाहते हैं 100 मीटर के इवेंट के लिए। क्लियर हो गई चीजें। उसके बाद नीचे आप लोगों को थोड़ा सा और स्क्रॉल करना, आपको एंट्री इवेंट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो ₹1000 पर इवेंट का आपको एंट्री फीस देना पड़ेगा। अगर आप एक इवेंट के लिए जा रहे हो जो कि मल्टीपल टाइम्स है, तो उसके लिए आपको ₹2500 पे करने पड़ेंगे, जो कि ऑनलाइन तक बनने वाला है। तो लास्ट डेट जो बनने वाली एंट्री की, वो 8 अक्टूबर तक बनने, समझे। और भी बहुत सारी यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी, बोर्डिंग एंड ऑल का सबका सब जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। जो खर्चा आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसमें आपका स्टेट एसोसिएशन कुछ नहीं कर सकता, इसमें AFI खुद कुछ नहीं कर सकता, जो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, समझा। कंप्लीट जानकारी मिल गई, डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा, कहाँ से लेना है रीड कर लेना, आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है एंट्री स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जल्दी ही इशू करवाएगा, ज्यादा टाइम का नहीं है। तो यहाँ पर आपको एंट्री स्टैंडर्ड्स बता दी गई है हर एक इवेंट का। 100 मीटर का है, तो वहां पर 10.90 सेकंड्स के अंदर आप अंदर आते हो तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, तब आप चांस बनता है यहाँ पर क्वालिफाई करने का। 100 मीटर अगर आप विमेन्स में हो तो 12.10 सेकंड के अंदर अगर आपका होता है तो आप यहाँ पर जा सकते हो। तो वो जो बच्चे जो थे ना, जो बोलते थे सर मैं 10.10 सेकंड के अंदर मार लेता हूँ 100 मीटर, आइए क्वालिफाई कीजिए, 10.90 दे दिया अब, तो समझ रहे हो। तो अब क्वालिफाई करके बताइए भाई, हमको भी अच्छा लगेगा कि यार कुछ बच्चे आके क्वालिफाई किए हैं, समझे। तो ये सारी की सारी एंट्री स्टैंडर्ड्स दे दी गई है सभी के सभी इवेंट का, जिन चीजों को आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। चीजें क्लियर हो गई, क्या चीजें बनने वाली है, सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दिया, रीड कर देना, समझ जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। अब कॉन्टैक्ट कैसे करना है, या फिर आप कह लो सिलेक्ट कैसे होना है, इन चीजों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल समझते। उसके लिए आप लोगों को अबाउट AFI, देख रहा है, अबाउट AFI के अंदर ना एफिलेटेड एसोसिएटेड यूनिट करके एक ऑप्शन दिया गया है, जिसको ओपन करना है। उसके ठीक नीचे डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स दे दिया गया है, उसको ओपन करना है। पहले आप लोगों को क्या करना है, अपनी एफिलेटेड डिस्ट्रिक्ट यूनिट की जानकारी लेनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी अबाउट योर एफिलेटेड स्टेट यूनिट्स। अब ये सारी की सारी स्टेट यूनिट्स है, इसके बाद है हमारी सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट यूनिट। तो ये डिस्ट्रिक्ट यूनिट वाला टैब मिल जाएगा, यहाँ पर ऊपर ना आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे, ये मतलब स्टेट रहेगा, तो स्टेट के अंदर की सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी। अगर आप हरियाणा से हो तो हरियाणा सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पर आप लोगों को हर एक डिस्ट्रिक्ट का अम्बाला येन तेन करके फरीदाबाद से लेकर के सब के सब डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा, जिनको आपको मिलना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, कॉल करो, विजिट करो, जो करना है करो, बट ये काम आपको करना पड़ेगा, समझे। तो जैसे अगर आप ये डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपको इनसे मिलना पड़ जाएगा, मेल आईडी दे दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिएगा, इनको कॉन्टैक्ट करो, इनको पूछो कि सर 61st जो नेशनल ओपन गेम्स होने वाले हैं उनके लिए हमको जाना है, तो हमारा रजिस्ट्रेशन कब होने वाला है, सिलेक्शन कब होने वाला है, क्या चीज़ें कब होने वाली, वो चीज़ें आप लोगों को पूछना पड़ेगा। आप इनके सेक्रेटरी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप लोग चाहो, अगर आप ये डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप इस डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी से भी बातचीत कर सकते हो, अगर वो आपके नज़दीक में है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, नज़दीक में है तो आप इनको कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हो, समझा।
अगर आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस अगर आपको मदद नहीं करता है तब जाकर के आपको स्टेट एसोसिएशन से मिलना, तो स्टेट एसोसिएशन दे दिया जाएगा। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, देखो एथलेटिक्स हरियाणा करके दे दिया गया है, इनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए कि सर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है ये वाला यूनिट ये हमको मदद नहीं कर रहा है। आप कॉल रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, रिकॉर्डिंग करो, बहुत जरूरी है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपको मदद नहीं मिल रही है, समझ रहे हो, प्रूफ जमा करके रख लो, फॉरवर्ड कर दो कि सर मुझे मदद नहीं मिल रही है, आप प्लीज हमें हेल्प प्रोवाइड कीजिए, तब जाकर के वो हेल्प प्रोवाइड करने, समझा। तो ये सारा का सारा जिम्मा आपके स्टेट एसोसिएशन के ऊपर छोड़ दिया गया है कि हमें हर इवेंट के लिए 3-3 बच्चा चाहिए आपके स्टेट की तरफ से। होता है तो अच्छी बात है, वरना बाकी बच्चे आ जाएंगे जिनका हम इवेंट्स करवाते हैं। आपका स्टेट एसोसिएशन अब डिसाइड करेगा कि कौन से बच्चे को भेजना है, कौन से बच्चे को नहीं भेजना। डिटेल्स क्लियर, समाप्त हो गया सारी की सारी चीजें। यूआईडी रहेगी तो ही आपका काम बनेगा, नहीं रहेगी तो आपको पूछा नहीं जाएगा। सारी की सारी चीजें समझ में आ गई, क्या चीजें बनने वाली है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो के साथ। कोई भी कंफ्यूजन रहेगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप चीजें पूछ सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।